नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पेज नंबर 151 पे जो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज। तो कौन सी ऐसी स्थिति है जिससे नई जाति बन सकती है, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं जिससे नई जाति बन सकती है, एक तो है नेचुरल सिलेक्शन, जैसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्रीन बीटल्स को जब पत्ते पे होते हैं तो कौवे उन्हें देखते नहीं हैं तो कम खाते हैं, और लाल बीटल अगर हरे पत्ते पे होते हैं तो कौवे ज़्यादा क्या खाते हैं, तो वो होता है नेचुरल सिलेक्शन। फिर दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट्स। अच्छा, तो कभी कभी फ्लक्चुएशंस होते हैं, या एक एक जीन में कभी आती है कभी जाती है, तो उसमें अलग अलग वेरिएशन जैसे होते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। और तीसरा है ज्योग्राफिक आइसोलेशन, माने जैसे हमने अभी पढ़ा था कि नदी आ गई थी बीच में और जो दो आबादी थी बीटल्स की वो अलग हो गई, तो फिर दोनों आबादी ने अलग अलग बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए, है ना। तो वो जो है होता है ज्योग्राफिकल और आइसोलेशन। दूसरा होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होता है वो सडन, माने बिना कोई नोटिस के, हाँ, और चेंज हो जाता है जीन्स में, और जब जीन म्यूटेट हो जाती है तो चेंज हो जाती है, तो फिर नई जाति बनती है। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाहूँगी जेनेटिक ड्रिफ्ट के भी बारे में। एक मिनट, मैंने लिखा था इसके बारे में, एक मिनट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट अकर्स ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ डेफिनेट जीन व्हिच कॉजेज वेरिएशन इन द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट फंक्शंस एज अ फैक्टर ऑफ स्पीशिएशन व्हिच इज सेटल्ड बाय द आइसोलेशन मैकेनिज्म एंड फाइनली रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम, माने कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। फ्लक्चुएशंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ जीन, तो जीन में जो है फ्रीक्वेंसी, माने जितने टाइम वो जो कभी कभी चीज़ें होती हैं जीन में, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, वो कितनी ऑफन होती हैं, माने कितनी बार होती हैं, हाँ, वो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे अब समझो आप मार्केट जाओगे और टमाटर मिलने के चांसेस मार्केट में काफ़ी हाई हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है टमाटर मिलने की हाई है, पर आपको आम की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं होगी, आम जो है सीज़न में ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी वो होता है जितनी बार चीज़ें हों, ठीक है। तो ये जो हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। फिर नंबर 2, Will geographical isolation be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? तो जैसे नदी आ गई बीच में, तो geographical isolation हो गया, माने एक साइड पे एक आबादी थी, दूसरे साइड पे दूसरी आबादी है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में, जो अपने आप पॉलिनेट करते हैं, ये क्यों या क्यों नहीं, वाई या वाई नॉट। तो इसका आंसर है कि नो, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मेजर फैक्टर नहीं है नई जाति बनने में सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स की, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स जो हैं उन्हें जो पोलन है वो उनके ही फूल से मिलता है, और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, वही या सेम फूल से, एक ही फूल से, या उसी पौधे पे अगर और फूल हैं वहाँ से मिलता है। पॉलिनेशन ऐसे होता है, कहीं और से नहीं होता, तो कहीं दूसरे प्लांट से नहीं होता, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो ही नहीं रहा है, उसी प्लांट पे फूल है और उसी से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। नंबर 3,
Will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduce asexually? Why or why not? तो यही geographical isolation तो है, दो आबादी का split होना major factor होगा अगर जो जो जाति है वो asexually बिना sex किए हुए बच्चे पैदा करती हैं, क्यों या क्यों नहीं? अच्छा, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो माने सेक्स की ज़रूरत नहीं होती, तो ना नर और नारी की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन उसमें मेजर फैक्टर नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि नर और नारी मिलें और फिर सेक्स हो. वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माने सेक्स के बिना रिप्रोडक्शन, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पर अगर सेक्स से हो रहा होता रिप्रोडक्शन, तो उसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेल और फीमेल, नर और नारी मिल नहीं पाते हैं. तो ये हुए क्वेश्चंस. अगली बार करेंगे एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन.